रीवा जिले में भ्रष्टाचार किस तरह हावी है यह तो हम आपको आए दिन दिखाते रहते हैं। नित नए भ्रष्टाचार के तरीके अपनाकर लोग अपनी तिजोरी भर रहे हैं, वहीं लोगों की जहां गाड़ी कमाई छीन रहे हैं वहीं उनके अधिकार को छीन कर अपनी तिजोरी भरते हैं। ताजा मामला अमैया थाना क्षेत्र के मुन्नू डेरी स्थित शासकीय भूमि का है, जहां की बेसकीमती जमीन बेची गई है। बताया जाता है कि मंगलेश्वर सिंह सेना निवृत्त पुलिस निरीक्षक ने उक्त जमीन को लीज में लिया था, जिनके दो विवाह हुए, पहली पत्नी के 3 लड़के और 1 लड़की एवं दूसरी पत्नी के 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। मंगलेश्वर सिंह का निधन वर्ष 1991 में हो गया। उनकी पत्नी की मृत्यु 2009 में हुई थी। मंगलेश्वर सिंह की दूसरी पत्नी ने सबसे छोटे पुत्र हंसराज सिंह उर्फ मुन्ना ने अपने जीवित पिता को मृत बताकर तथा अपने 8 भाई व 5 बहनों की जानकारी छुपाकर राजस्व प्रकरण में उक्त भूमि को अपने नाम बारिश आना नामांतरण करा लिया और वर्ष 2015 में चोरी छुपे उक्त भूमि को सलीम खान पिता मोहम्मद गुलाम खान निवासी नगरिया मोहम्मद तौशीफ अंसारी पिता मोहम्मद तौफीक अंसारी निवासी मलियान टोला और ब्रजराज मदनानी पिता रूप चंदानी निवासी अर्जुन नगर रीवा को बिक्री कर नामांतरण करा दिया है। उक्त बात की जानकारी हंसराज सिंह के भाई अयोध्या सिंह के पुत्र जितेंद्र सिंह को हुई तो उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्होंने हंसराज सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कराने की मांग अमैया थाना पुलिस से की है। पीड़ित ने कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। क्या घटना हुई आपके साथ? यही कि हिंसा भी मार दिया गया, जमीन धोखाधड़ी से जमीन बेच ली गई, एक जमीन अमैया की भी बिक गई, उसमें भी नहीं जान पाए, ये वाली डेयरी भी बिक गई, जबकि शासकीय भूमि लीज की जमीन है इसको भी बेच लिया अपने नाम करा के, जबकि पिताजी जीवित थे तभी अपने नाम करा लिया। किनके द्वारा किए गए? ये हंसराज सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। कहाँ रहते हैं? अमहिया। कहाँ का मामला है? कहाँ? ये मुन्नू डेरी जो है यहाँ का मामला है। कब आपको पता चला कि जमीन? ये हमको बाद में अभी पता चला है, ये लीज में करवा लिया जब बब्बा 91 में ख़त्म हुए, ये 84-85 की अपनी लीज बनवा लिया। पिताजी को मृत घोषित करके? जी जी हाँ, पिताजी को मृत घोषित करके अपने नाम नामांतरण करा लिया। अभी पिताजी जीवित हैं? नहीं, खत्म हो गए हैं, हमारे पिताजी जिंदा हैं, वो हमारे बब्बा लगे श्री मंगलेश्वर सिंह। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? थाने में दी है। कौन से थाने की? अमहिया थाना। क्या कार्रवाई हुई? कल गए थे पुलिस वुलिस वाले गए थे, अब जो बात हुई हो जी। तो अब क्या चाहते हैं आप? सर यही चाहते हैं कि न्याय मिले भाई, शासकीय जमीन है, सब कोई उसी में धंधा करते थे हैं, अब फिर सभी का हिस्सा था, धोखाधड़ी से सब बेच लिया, कोई जान भी नहीं पाया। क्या वो लीज की जमीन है? लीज की जमीन थी। लीज की जमीन तो बेचे नहीं जा सकती? ये भी हम भी सुने हैं सर, लीज की जमीन लीज जा सकती, लीज बेची नहीं जा सकती सर, एक रजिस्ट्री से कई रजिस्ट्री हुई हैं। कितनी जमीन है? वो सर लगता है 44-45 डिसमिल जमीन कुल है। वो तो गवर्नमेंट की जमीन है लीज। पीछे की भी ये नाले वाले की तरफ की सब ये सभी बिक गई हैं, शासकीय जमीन है ये, इसको भी अब लीज में करवा के मतलब रजिस्ट्री करा के बेच लिए हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।